हेलो जी, हम वापस आ गए हैं कहाँ पर? रोहतक, हरियाणा में, जो दिल्ली से 1.5-2 घंटे की दूरी पे है। पहले हम आए थे 8-9 महीने पहले और लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे वीडियोस देख के। यहाँ रोहतक आए लोग, खाने आए और कुछ बातें हमें ऐसे पता लगी कि कुछ ढाबा आउटलेट्स ने तो अपने टाइमिंग सब एक्सटेंड कर दिए ताकि जो बाहर से आ रहा है आराम से खा के वापस दिल्ली जा सके। तो हम आए हैं दोबारा आपके प्यार को देखते हुए रोहतक। और कहाँ आए हैं, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। रोहतक का काकेदार ढाबा, जी हाँ, टिपिकल नॉन वेज ढाबा, अपनी ग्रेवी आइटम्स के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि कैसी ये जगह है। लैंडमार्क, जी हाँ, भिवानी स्टैंड और टिकाना साहिब गुरुद्वारा बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ का गूगल मैप लोकेशन सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि ये कैसी जगह है। तो आपको ढाबा दिखाते हैं, टिपिकल देसी ढाबा। और स्टार्टिंग में ही बिलिंग काउंटर है, ये यहाँ पे रोटियाँ नान पराठे लगते हुए यहाँ पे रोस्टेड आइटम्स तैयार होती है। और सामने इनका फूड मेन्यू है और फूड मेन्यू में दिखाते हैं, इनके पास तंदूरी चिकन, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, तवा चिकन, मसाला चिकन, लेमन चिकन, चिली चिकन, चिकन करी, टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का मसाला, मलाई टिक्का, कलमी कबाब, कीमा मीट करी वाला भी। और देखिए कितनी वैरायटी है इनके पास, स्नैक्स भी हैं, ग्रेवी आइटम्स भी हैं, बराबर में देखिए इनके पास वेज डिशेज भी हैं। तो एक ये टिपिकल ढाबा है लेकिन ये अपनी ग्रेवी आइटम्स के लिए बहुत मशहूर है। तो हम यहाँ पे 2 स्पेशल इनकी मटन और चिकन वाली ग्रेवी आइटम्स मंगवाएंगे। उससे पहले आपको इनका सिटिंग स्पेस दिखाते हैं, कैसा है इनका सिटिंग स्पेस। तो ये इनका ग्राउंड फ्लोर वाला सिटिंग स्पेस है, 3-4 टेबल इस साइड, 3-4 टेबल इस साइड लगे हैं। बेसिक सिटिंग सेटअप है, कूलर, बड़ा सा कूलर लगा हुआ है। चलिए इनका अपस्टेयर्स वाली सिटिंग स्पेस दिखाता हूँ। तो ये इनका अपस्टेयर्स पे सिटिंग स्पेस है, फैमिली सिटिंग स्पेस है। यहाँ पे AC भी लगा है और यहाँ पे आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। नीचे जो है वो बेसिक सेटअप है, ऊपर वाला AC वाला। काके दे ढाबे से सुरेश जी हमारे साथ। सुरेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल भूखा सांड पे। और जब हम पिछली बार आए थे रोहतक, अच्छा, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपको काके के ढाबे पे भी जाना चाहिए था। तो हम लोगों की डिमांड पे आपके ढाबे पहुंच गए हैं। कितना टाइम हो गया इस ढाबे? नियर अबाउट 40 ईयर्स हो गए सर। 40 साल? हाँ जी, हाँ जी। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं ढाबे के? टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा, मोस्टली। और मैं देख रहा हूँ मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई तो इसमें कम चीजें हैं। अच्छा, ये कम चीजें हैं। अच्छा, वेज नॉन वेज सब मिलेगा आपको? सब मिलेगा। और जोमेटो स्विगी पे भी हैं आप? जोमेटो में, स्विगी में, ये है, दोनों जगह पे आप हैं। ठीक है, अब मेरे जैसा बूढ़ी कोई दिल्ली से आए, वो कहे मेरे को सिर्फ एक चीज खानी है, तो कौन सी ऐसी चीज है इतने बड़े मेन्यू में जो उसको खानी चाहिए आप? बटर चिकन है हमारा, ट्राई करो, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन तो बेस्ट है। अच्छा, बटर चिकन। और हमें बटर चिकन की ही रिकमेंडेशन मिली थी। तो चलिए अब आपके, जरा हम किचन में चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है बटर चिकन। तो ये देखिए तंदूर में हम झांक रहे हैं और इनका तंदूरी चिकन तैयार हो रहा है। और देखिए पूरे के पूरा तंदूर में, पूरा सीख में मुर्गा एकदम सजा दिया गया है। कितना लाजवाब ये सीन है देखिए जी, पूरा तंदूर तंदूरी चिकन बनाने के लिए तैयार होता हुआ। लीजिए और मुर्गे जाते हुए तंदूर में। तो लीजिए हमारे लिए बटर चिकन तैयार होता हुआ। और ग्रेवी देखिए, बिल्कुल ही अलग ही रंग रूप है इस ग्रेवी का। तो हाफ प्लेट हम अपने लिए लगवा रहे हैं। बहुत, और ये गए काजू। जी हाँ, काजू डाल के यहाँ पे बटर चिकन सर्व किया जाता है। और ये जा रहा है मक्खन, मक्खन की क्वांटिटी देखिए, अच्छा बढ़िया एकदम। बटर चिकन में मक्खन ना हो तो क्या हो। ये लाल मिर्च जाती हुई, ओहो, मसाले जाते हुए सारे, वाह। तो लीजिए ये बटर चिकन हमारे लिए ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसमें थोड़ा सा और। जी हाँ, ये लीजिए बिल्कुल ही अलग महक, पूरी फील आ रही है कि हम किसी ढाबे में आए हैं, पूरा ढाबा स्टाइल बटर चिकन।
लीजिए बटर चिकन हो गया है तैयार और हमारी प्लेट गई है सज। वाह, और ये ऊपर सजा दिया गया है क्रीम के साथ, हरी मिर्चें, अदरक, काजू। तो लीजिए हमारे लिए मटन करी को अब एकदम सर्व करने से पहले तड़का टाइप, कह लीजिए तड़का लगाया जा रहा है। तो ये मटन करी हमारे लिए लगते हुए चार पीस रहते हैं एक प्लेट में, दो टाइप के इनके पास मटन की मेन कोर्स में है, एक कीमा मीट है, एक ये तरी वाला है। तो हम ये तरी वाला लगवा रहे हैं अपने लिए, जो थोड़ी सी पतली रहती है तरी। वाह जी वाह, रंग रूप तो बहुत बढ़िया है। तो सर्व करने से पहले आप कह लीजिए कि जैसे कोई तड़का लगाया जाता है उस टाइप से तैयार की जा रही है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग दी जाती है। ये गया और रोगन, वाह 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 वाह। और ये देखिए, और ये सजा दिया गया है धनिए से, और ये गया थोड़ा सा रोगन। तो लीजिए जो अभी थोड़ी देर पहले मुर्गे लगे थे वो भी तैयार हो गए हैं, वो भी तंदूर से बाहर आते हुए। वाह, तो खाना हमारे टेबल पे सज चुका है। ये देखिए काजू सजे हुए, ये है बटर चिकन और किशमिश भी सजी हुई है। इसकी कीमत ये हाफ प्लेट है 320 रुपए की, बराबर में ये देखिए मटन। हाय 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 हाय, ये देखिए ये देखिए, ये मटन की प्लेट की कीमत है 340 रुपए और ये मटन का पीस देखिए लग रहा है ना शानदार। मैंने उठाया बिल्कुल मेरी नाक में इसकी खुशबू आ गई है, तो खुशबू से तो बहुत लाजवाब लग रहा है। और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अंकित जो कि यहाँ के लोकल फूड ब्लॉगर हैं। हमने कहा रोहतक आए हैं, इन्होंने हमारी पहले भी हेल्प की थी, आज भी हेल्प कर रहे हैं एक्सप्लोर करने में। और बराबर में है शिवम जिसका नानका, जी हाँ नानका पूरा रोहतक में है, इन्होंने भी हमें पहले बहुत हेल्प की रोहतक एक्सप्लोर करने में, और आप इनको तो हमारे वीडियोज़ में मिलते रहते होंगे। तो शुरू करें, बिल्कुल। तो ले भाई शिवम, शिवम हमारा बड़ा खास है, हमारे सारे वीडियोस देखता है। कई बार मेरे से गलती से वीडियो लाइव करना रह जाता है, तो शिवम का 4:10-15 पे मैसेज आ जाता है कि आज वीडियो नहीं डाला। और बराबर में हमारे अंकित भाई, थैंक यू पूरा रोहतक के फूड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हुए हमारी, लीजिए थैंक यू। और मैं तो भाई ये वाला पीस लूंगा, आपकी नज़र इसी पे थी पहले से, मेरी इसी पे थी। ये खाने में भी मज़ेदार होता है और वीडियो में दिखाने में मज़ेदार होता है। तो पहले हम इनका मटन ट्राई करेंगे, तो मटन करी का आपको ये दिखाते हैं पीस, देखिए लाजवाब। मज़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा मुझे है ना मसाले तेज है, हिट करने वाले हैं, लेकिन बहुत सही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मटन का अपना तो फ्लेवर आ ही रहा है, और ये देखिए कितना प्यारा अच्छे से गला हुआ है मीट। जो ग्रेवी है उसमें मसाले तेज हैं, मुझे मज़ा आया। बाकी मसाले थोड़े कम होते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। मज़ा आया, और ये तंदूरी रोटी के साथ इसका सही बढ़िया, और चावल के साथ भी बड़ी सही जाएगी ग्रेवी। और एक यहाँ का स्पेशली जो क्रीम सैलेड है ये जरूर ट्राई करना आप। वाह, पतली करारी तंदूरी रोटी साथ में ये मटन, परफेक्ट कॉम्बो। तो अब इनके बटर चिकन की बारी, काजू किशमिश से सजा हुआ।
एक्चुअली आप जहाँ बैठे हो ये स्पेशली फेमस है बटर चिकन के लिए। बटर चिकन के लिए वाह, ये देखिए, ये देखिए, ये है इनका बटर चिकन और ये है टंगड़ी मेरे हाथ में। अगर बोलिए आप नहीं, नहीं मैं आपको देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं रोक नहीं पाया मैंने आपको। हमारा मोटो यही है कि कोई हमें खाते हुए देखे तो उसे भूख लग जाए, और मैं ये कहूँगा बहुत अच्छे से राड़ राड़ के जैसे ग्रेवी तैयार की जाती है वैसी बटर चिकन की ग्रेवी है। मीठा बिल्कुल नहीं है, तीखे मसाले हैं, स्पाइसी है, और एक है ना ढाबा फील आ रही है, जैसे आप ढाबे का खाना खाते हैं ना, क्रीम कम है, मक्खन ये नहीं है कि भर भर के डाल दिया गया है कि मक्खन और क्रीम का फ्लेवर आ रहा है, एक टेंगी फ्लेवर है, स्पाइसी था, मसालेदार, जो इस बटर चिकन को दूसरे जो हम बटर चिकन खाते हैं उससे अलग अलग है। बिल्कुल अलग, ये बात तो राइट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया गया, दोनों मटन चिकन दोनों परफेक्ट है। आपकी प्रेफरेंस है, आपको ज्यादा क्या पसंद है, अगर दोनों चीजें पसंद है दोनों खाइए, आइए खाइए, एंजॉय करिए, वापस आके मुझे ज़रूर बताना आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।